सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करियर एडवाइजर 24 में। मैं हूं हेमंत कुमार आपके साथ। तो आज एक बार फिर बहुत ही बेहतरीन वीडियो बैंक जॉब इन्फॉर्मेशन के ऊपर। तो मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बोला था कि यार प्रोडक्ट एक्टिवेशन पे एक बार बात करेंगे, कितने प्रोडक्ट होते हैं, कितने प्रोडक्ट में पर मंथ एक्टिवेशन होना चाहिए, अगर एक्टिवेशन नहीं हो पाता है तो क्या ये जॉब पे इफेक्ट करेगा। तो प्राइवेट बैंक में मैंने एक साल का प्लस एक्सपीरियंस लिया है, अभी मैं बहुत अच्छी जगह हूँ। बट प्राइवेट बैंक में मैंने देखा कि यार प्रोडक्ट एक्टिवेशन चाहिए ही चाहिए, नहीं होता है तो क्या इश्यूज आते हैं। और ये वीडियो फ्रेशर्स एक्सपीरियंस सबके लिए बहुत ही खास है कि यार प्रोडक्ट एक्टिवेशन किस किस प्रोडक्ट में मोस्टली एक्टिवेट होना चाहिए। ये है ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट और ERM डिपार्टमेंट के लिए मोस्टली। फोन बैंकिंग डिपार्टमेंट में एक्टिवेशन की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, वो तो एक कॉल सेंटर की तरह काम करता है। तो बट ये जो है ब्रांच बैंकिंग डिपार्टमेंट और ERM डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट एक्टिवेशन पे हम आज बात करेंगे। जरूरी है, बहुत जरूरी है फ्रेशर्स के लिए भी। एक्सपीरियंस पर्सन जिन्होंने अभी ज्वाइन किया उनको पता रहना चाहिए कि यार कितने प्रोडक्ट होते हैं और कितने प्रोडक्ट पे हमें एक्टिवेट रहना है जिससे हमारी जॉब सिक्योर रहे, ट्रांसफर ना हो, टर्मिनेट ना हो, कोई हमें निकाले नहीं, जॉब पे इफेक्ट ना पड़े। तो ये आपको पता रहना चाहिए कि यार जो भी देखिए रिलेशनशिप मैनेजर है, ठीक है, ब्रांच सेल्स मैनेजर है, BSM है, या आप SM है, सेल्स मैनेजर है, कोई भी है, प्रोडक्ट एक्टिवेशन जरूरी है। बैंक में बिजनेस जरूरी है, बैंक आपसे बिजनेस मांगेगा ही मांगेगा। तो चलिए बात करते हैं यार। अच्छा, कितने आपको क्या लगता है कितने प्रोडक्ट होंगे प्राइवेट बैंक्स में? मोस्टली कहते हैं प्राइवेट बैंक में, मैं ERM डिपार्टमेंट में था तो प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, छोटे मोटे सारे प्रोडक्ट लगा के 100+ प्रोडक्ट्स, 100+। अब RM जो होते हैं रिलेशनशिप मैनेजर या फिर ERM इलेक्ट्रॉनिक रिलेशनशिप मैनेजर, ठीक है, या फिर BRM भी बोलते हैं इनको, VRM वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर, ये ERM BRM सेम समझ लीजिए। दोनों का काम ऑफिस में होता है, दोनों का काम कॉलिंग से होता है, कॉलिंग से ही सेल्स आती है, ठीक है, इतना आप ध्यान रखिए। कॉलिंग से ही ये लोग सेल्स लेके आते हैं और सर्विस भी कॉलिंग से ही प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब ये हो गया एक पार्ट, 100+ प्रोडक्ट माने जाते हैं कोई भी प्राइवेट बैंक हो उसमें 100+ प्रोडक्ट, छोटे मोटे प्रोडक्ट। अब हम एक्टिवेशन की बात करें कि RM हो गए, ठीक है, या फिर ERM हो गए, या फिर अदर जो भी ब्रांच की हम बात कर लेते हैं, ब्रांच बैंकिंग की हम यहां जोड़ देते हैं, ब्रांच बैंकिंग और ERM डिपार्टमेंट, ये दोनों डिपार्टमेंट ले लेते हैं, ठीक है। अब प्रोडक्ट एक्टिवेशन सबसे पहले ध्यान रखिए, मिनिमम कम से कम 7-8 प्रोडक्ट में एक्टिव होना जरूरी है। अब 10-12 प्रोडक्ट इंपोर्टेंट होते हैं, इंपोर्टेंट प्रोडक्ट IMP जो प्रोडक्ट है वो 10-12 प्रोडक्ट है। अब मैं आपको बताता हूं 7-8 प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं जिनमें एक्टिवेशन चाहिए ही चाहिए। अगर नहीं होता तो आप देखते हैं आपकी हड़ल होती है, ब्रांच मैनेजर आपको सुनाते हैं और भला बुरा बोलते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता, आप डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो कैस एक्टिवेशन किस किस प्रोडक्ट में होना चाहिए, जब आप बैंक में ज्वाइन कर रहे हैं, जिनको ऑफर लेटर आ गया उनके लिए तो बहुत खास वीडियो, उनको पता रहेगा कि हाँ इन प्रोडक्ट में एक्टिव होना है, काम करना है बेसिकली, है ना। तो 7-8 सबसे पहले फर्स्ट प्रोडक्ट की हम बात करें, NCA न्यू कस्टमर एक्वायरेशन, इसका मतलब होता है न्यू अकाउंट ओपन करना, न्यू अकाउंट, अकाउंट कोई भी हो सकता है आपका, करंट हो सकता है, ठीक है, सेविंग हो सकता है, सैलरी अकाउंट हो सकता है, तो अकाउंट आपका कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। अब दूसरा प्रोडक्ट डीमैट, डीमैट बोले तो ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना ही करना होता है, डीमैट करना ही करना है। अब तीसरे प्रोडक्ट की हम बात करें यहां पे, ठीक है, वो होता है होम लोन, होम लोन। चौथे प्रोडक्ट की बात करें आपका ये होता है पर्सनल लोन, पर्सनल लोन, ठीक है, और एक बार इसको साफ कर देते हैं, पर्सनल लोन हो गया,
पहला मैंने आपको बताया न्यू अकाउंट ओपन करना, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया डीमैट, बोले तो ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। तीसरा मैंने आपको बताया होम लोन। होम लोन बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, एक्टिवेशन होम लोन का ज्यादा नहीं तो ठीक है, ईयर में एक या दो बार आपका हर प्रोड होम लोन में एक्टिवेशन होना चाहिए, एवरी प्रोडक्ट में एक्टिवेशन होना चाहिए पूरा एक ईयर में, एवरी प्रोडक्ट में जितना भी प्रोडक्ट आप कर सकते हैं। चौथा मैंने आपको बताया पर्सनल लोन। पांचवा आपका आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में एक्टिवेशन जरूरी है। अब सिक्स आपका आता है इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस आपका हो गया हेल्थ हो गया, ठीक है, और मोटर इंश्योरेंस हो गया जिसको बोलते हैं जनरल इंश्योरेंस, होम वगैरह का, हेल्थ हो गया, लाइफ हो गया, ये सब में एक्टिवेशन जरूरी है। म्यूचुअल फंड में आपका SIP हो गया, लंपसम हो गया, ठीक है। SIP मतलब पर मंथ जो डिडक्ट होगा आपका, जो भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर मंथ, ठीक है। लमसम में मतलब एक बार में आपने लगा दिया 1 लाख या जो भी है वो लमसम होता है, ये SIP पर मंथ चलता है, ये मंथली होता है मतलब आप ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया, अब इंश्योरेंस आपका पहुंच गया, ठीक है। सेवन प्रोडक्ट, ठीक है, ये देखिए, पहला न्यू अकाउंट, दूसरा डीमैट, तीसरा होम लोन, पर्सनल लोन, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, ठीक है। अब आपका इसी में आपका हो गया एक आपका हो गया क्रेडिट कार्ड, या डेफिनेटली राइट, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड भी अपने आप में एक प्रोडक्ट माना जाता है, क्रेडिट कार्ड हो गया है, ठीक है। सात प्रोडक्ट तक हम पहुंच गए हैं, अब आठवां प्रोडक्ट, ठीक है। अब आठवां प्रोडक्ट होता है कार लोन हो गया, ठीक है, या फिर व्हीकल लोन जो भी होता है, व्हीकल लोन में आप मान लीजिए, ठीक है। तो कार लोन वगैरह, कार या बाइक लोन हो गया, कार हो गया, या फिर टू व्हीलर लोन हो गया, ठीक है, टू व्हीलर लोन, एक प्रोडक्ट के तक हम पहुंच गए, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट, अब आप पूछेंगे सर ये तो बहुत सारे प्रोडक्ट होते जा रहे हैं और नहीं एक्टिवेट हो पाए तो क्या होगा, जॉब पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, और किन किन में और इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले न्यू अकाउंट में आपका इम्पोर्टेंट है डीमैट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ट्राई कीजिए म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, ये चार प्रोडक्ट बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये चार प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, करने ही करने हैं, पर मंथ करना ही करना है आपको, आपको बच ही नहीं सकते। नहीं हुआ आपसे, ठीक है, तो आपकी हड़ल होगी, ब्रांच मैनेजर सुनाएंगे, और अगर 2-3 महीने आप बिजनेस नहीं कर पाते, एक्टिवेशन नहीं हो पाता है, तो आपका ट्रांसफर भी हो सकता है, आपको जॉब से निकाल भी सकते हैं, वो आपके जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी होती है जो भी है उनके हाथ में रहता है कि वो आगे मेल करते हैं बिजनेस नहीं आ पा रहा है बच्चे का और ऐसे ऐसे है तो क्या करना चाहिए, किसी और डिपार्टमेंट में ट्रांसफर दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके के चलता रहता है ऊपर नीचे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, 8 प्रोडक्ट जो मैंने बताया इसमें से कम अब मेन प्रोडक्ट कौन कौन से देखिए। हाँ एक और है, पांचवा प्रोडक्ट है क्रेडिट कार्ड, ये 100% एक्टिवेशन इन प्रोडक्ट में चाहिए। पहला न्यू अकाउंट डीमैट, दूसरा आपका म्यूचुअल फंड हो गया, इंश्योरेंस हो गया, और आपका क्रेडिट कार्ड, इनमें आपका 100% एक्टिवेशन पर मंथ, 100% एक्टिवेशन पर मंथ, 100% चाहिए ही चाहिए, आप नहीं बच सकते इससे, ठीक है, चाहिए ही चाहिए। अब बचे आपका एक होम लोन बचा, पर्सनल लोन बचा, ठीक है, आपका कार लोन बचा, ठीक है। ये इसमें भी मंथली एक्टिवेशन चाहिए, बट इसमें 2 मंथ में, 1 मंथ में हो गया, ठीक है, वरना 2 मंथ में, और ईयरली हर प्रोडक्ट में आपको ईयरली जो फाइनेंशियल ईयर होता है ना, एवरी फाइनेंशियल ईयर एवरी प्रोडक्ट जो भी 10-12 प्रोडक्ट होते हैं हर किसी में एक्टिवेशन बना रहना चाहिए तो बहुत अच्छा लगता है। एक आपका जो होता है ना लिस्ट में नाम रहता है कि हाँ इस बच्चे ने इतना काम किया, तो आपको RMG में डालने से पहले, ट्रांसफर देने से पहले, निकालने से पहले सोचा जाएगा कई बार,
तो ये था इसका प्रोडक्ट एक्टिवेशन पे, और ये सबके लिए है। आप चाहे आप आरएम हो, आप चाहे रिलेशनशिप ऑफिसर हो, आरओ हो, न्यू आरएम हो, ईआरएम हो, ठीक है। ईआरएम में भी हमारा 5 से 7 प्रोडक्ट तो मंथली एक्टिवेशन था, 5 से 7 आप सोचिए। और उसमें मैं हमेशा न्यू अकाउंट खुलाता था, डीमैट हमेशा कराता था, पर मंथ 2 से 3 डीमैट, 4 डीमैट वो अपने ऊपर। उसके साथ साथ मैं म्यूचुअल फंड करा देता था, SIP, इंश्योरेंस करा देता था छोटा मोटा 2-व्हीलर का, ठीक है। तो इस तरीके से मैं कराता था, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट इम्पोर्टेंट है। और फिर डीमैट में मैं ज़्यादा परफेक्ट हो गया था, न्यू अकाउंट खुलवाना और डीमैट, डीमैट के मुझे 2 मेडल रिसीव हो चुके हैं अब तक दोस्तों। और ये देखिए, आप काम करेंगे आप बेसिकली मेडल मिलेंगे। एक म्यूचुअल फंड का भी सर्टिफिकेट आया, वो बेसिकली दिया नहीं क्योंकि मैंने उस टाइम रिजाइन कर दिया था, तो उन्होंने दिया नहीं, कोई बात नहीं। बट अगर आप, मैं मानता हूँ, अगर आप शिद्दत से सीखेंगे सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में, जो भी न्यू जा रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि यार सीखना बहुत जरूरी है। सीखेंगे नहीं तो बहुत प्रॉब्लम फेस करेंगे आप लोग यार, है ना। तो सीखिए पहले प्रोडक्ट के बारे में। आप प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पता तो धीरे धीरे अब इस चैनल पे वो जितने भी 10-12 प्रोडक्ट है सबकी 1x1 वीडियो प्लेलिस्ट बनाऊंगा और सबका आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो वो हो सकता है न्यू फ्रेशर्स के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो ये प्रोडक्ट एक्टिवेशन जरूरी है, न्यू आरएम जो भी है आप सीख लीजिए, ध्यान दे लीजिए। एक बार मैं आपको इधर क्लिक करके बताता हूँ, ये दीज प्रोडक्ट आर मोस्ट इम्पोर्टेंट इन प्राइवेट बैंकिंग। एक्टिवेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, पर मंथ एक्टिवेशन, ईयरली एक्टिवेशन, एक्टिवेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो करना ही करना यार, और हार मत मानिए, परेशान मत होइए। मैंने भी यार 3-4 महीने सीखने में लगाए, उसके बाद ही मैं बिजनेस कर पाया, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ पाया, 2 मेडल रिसीव हुए, 1 सर्टिफिकेट, बात अलग है, मिला नहीं, नो इश्यू, बट काम किया, वो अच्छा लगा कि यार मैंने सीखा, मैं आपको सिखा पाया, दूसरे को सिखा पाता हूँ, बैंकिंग पूरी इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, वही होना चाहिए। सो यार थैंक यू सो मच यार, प्रोडक्ट एक्टिवेशन वीडियो आई होप आपको अच्छी लगे, और भी वीडियोस आती रहेंगी। आप सब अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।